इतना छोड़ जिसे कहा जाने, क्योंकि मैं विशेष निवासी हूँ, पिता का वचन हूँ, पालन कर रहा हूँ, तो मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करता। इसलिए लक्ष्मण जी को भेजा किसी का ना जाकर के। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी का महाराज यहाँ पर तिलक किया है, अंगद को युवराज पद दिया है। इसके बाद सुग्रीव भगवान के पास में आए। भगवान ने कहा अब चार मास तक हम लोग, वर्षा ऋतु है, यही पर्वत पर महाराज विराजमान होंगे, आप जाइए और अपने राज्य का पालन करें, परंतु मेरे काम को मत भूलना, उसका ध्यान रखना। सुग्रीव महाराज बड़ा आनंदित होकर के चला गया है। और चार मास बीत गए, अब तो वही हुआ जो जीव के साथ में होता है, पहले खूब नाक रगड़ता है, हे भगवान मेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगा। जिस दिन काम बन गया फिर दिया हुआ भूल जाता, फिर देता, और फिर वो उस बात को बढ़ाते चले जाता है। पहले महाराज बस मेरा काम बन जाए, उसके बाद तुरंत भंडारा करवाऊंगा। संकट आने लगते हैं, कोई विघ्न आने प्रारंभ हो जाते हैं, उससे फिर जाकर के फिर कोई ब्राह्मण देवता कहता है महाराज कोई मनोरथ है आपका जो रखा हुआ है, तो तब वो कहता है सत्यनारायण की कथा जो हम आपको श्रवण करते हैं वो क्या है, यही तो है। नेता चला गया और फिर उसे भगवान सत्यनारायण के कूप को सहन करना पड़ा। ये जीव है, जीव जो है काज पड़े कछुआ।